हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और यही दुआ करूँगा कि आप लोग हमेशा सही से रहे। तो आज का व्लॉग हम कुछ ऐसी जगह पे जाएंगे जो आप लोगों को दिखाने वाले हैं, और मेरे साथ चल रहे हैं चंदी भाई। तो ठीक है गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहे आखिरी तक। देख सकते हो अब हम निकल चुके हैं, जा रहे हैं ये वाला। पैदल चलने का मजा ही कुछ अलग है यार, क्या कहना संदीप जी? हाँ भाई। वो गेट आ गया, राजा के जमाने का है भाई लोग। और ये वाला जो आप लोखन देख रहे हैं, इसको आज तक अभी तक जंग ही नहीं लगाई हूँ, अभी तक ऐसा का ऐसा ही है ये वाला। ये देख सकते हो, ये यहाँ पे है, इस साइड भी है गेट। जब अंग्रेज लोग आक्रमण करते थे तो भाई लोग यहाँ से थोड़ा घुस कर देखा जाता था। इंडियन टी हाउस भाई लोग, आप देख सकते हो पूरा तालाब दिख रहा है यहाँ से, इधर से उस वहाँ तक, ये वाला बड़ा तालाब जो कि हम भोपाल। आपने वीआईपी रोड तो देख लिया होगा, तो अब हम जा रहे हैं यहाँ भोपाल के राजा भोज मिलने जा रहे हैं। तो वहाँ जाकर आप लोगों को बताएंगे, राजा भोज से दो चार मिनट बात करेंगे और बोलेंगे, जानेंगे उससे बने रहे हम आपको भोपाल के समुद्र का नज़ारा दिखाएंगे। ठीक है गाइस, भाई लोग समुद्र को क्या देखने जाए, हमारा तो यही समुद्र ही है। और जो सामने आप देख रहे हैं ये वाला राजा भोज सेतु ब्रिज है, ये वाला जो सामने दिख रहा है ना आपको, वही वाला। और यहाँ से वो उधर बहुत दूर वहाँ सामने दिख रहा है, वो लेक सिटी लिखा हुआ है, लेकिन नाइट के टाइम बहुत अच्छे से दिखता है ये वाला गाइस। ये हमारे चंदी भाई है, क्या बोलते हैं चंदी भाई इसको? अच्छा हाँ, चंदी भाई बता रहे हैं समुद्र बोलते हैं। अब चंदी भाई की ओर से यार एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर बनता है यार भाई लोग। बहुत टाइम हो गया वीडियो भी नहीं डाले, मैंने कहा चलो आज वीडियो बना ही देते हैं। तो गाइस आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप एक लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, मतलब जितना तो आप कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो चले आप लोगों को आप लेकर चलते हैं आप राजा बहुत पिछले अच्छी हो। ठीक है, तब तक मिले गाइस। फाइनली गाइस, हमको बेसब्री से जिसका इंतज़ार था वो हमारे सामने ही खड़े हैं, तो आप देख सकते हो। तो भाई ये तो पीछे से दिख रहे हैं, अब हम जाएंगे उधर आगे से दिखाएंगे आप लोगों को। हाँ हाँ, बनाने वाले ने भी क्या खूबसूरत बनाया। तो गाइस देखो, राजा भोज बिल्कुल सुनसान जगह में अकेले ही खड़े हैं, वो भी तालाब में। हाँ, और एक वीडियो वायरल हुई थी गाइस, तो वो वाला दूसरी जगह था, जगह का था। और यहाँ पर राजा भोज तो बहुत टाइम से यहीं पे यहीं के यहीं खड़े हैं, आप देख सकते हो। ये अभी हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर, तब तक आप वीडियो पर बने ही रहें। तो गाइस अब हम आ चुके हैं राजा भोज के बिल्कुल नज़दीक। तो भाई आपने पीछे का व्यू तो देख लिया, आप आगे का व्यू देख लो।
ट्राई करके देखो, फोटो वोटो शूट अपने लिए ग्लास का। अरे बस भाई वगैरह के हिसाब से चढ़ा तो करके देखना भाई। अरे भाई लोग भाई भाई के पास ले लेना यार भाई, मेरा वीडियो मत लेना, मेरा लाइव फोटो। अरे कोई दिक्कत नहीं यार भाई। तो भाई लोग आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे राजा बहुत अकेले खड़े बेचारे, अब रानी को ढूंढने जाना पड़ेगा कहीं पर। ठीक है भाई, अब ये देख सकते हैं आप इनके लहरें जो समुद्र से कम नहीं है। ठीक है, ऊपर आसमान खुला है बिल्कुल चांदनी बिखेरने के लिए। क्या भाई दिक्कत, पहन लो फिर चाइडो को गुब्बा वाला। अरे देख लो यार भाई हमारे एक नंबर दिख रहे यार भाई, कितने के दे रहे भाई, कैसे दे रहे भाई, कैसे नहीं दे रहे गुब्बी की कसम। ये तीन यार भाई क्या, अरे भाई ये तो 300 रुपये में है यार भाई लोग, क्या गजब भाई ने सच्चमा दिखा दिया यार। देख सकते हैं हमने एक सच्चमा खरीद लिया है जो कि हम कांच में भी देख रहे हैं भाई, साथ में लेके बिल्कुल गोल्डन कलर ब्लैक कलर जैसा भी चाहिए आप ले सकते हैं। हमारे भाई इधर ही घूमते हैं राजा भोज के जैसे नज़दीक में। तो गाइस आज का व्लॉग हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, आपको जो दिखाना था वो दिखा दिया हमने, आप लोगों को दिखा दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा